गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपने ससुराल के घर पे। ये सब ससुराल वालों ने दिया है हमको। मिशमी नेम का जो मेरे सिस्टम है वो जिस तरह सुधारने से ठीक है, नहीं तो इसी तरह ही होते रहेगा तो आने वाला कल और तकलीफ होने वाली है। मिशमी लड़की लेता है तो मिथुन देना पड़ता है, मिथुन का जगह पे फिर आप सभी को कुछ इस तरह से ऑर्नामेंट्स कुछ मिलेगा। Hey guys, once again welcome back to the channel and आप सभी को मैं बहुत दिनों के बाद कुछ सप्ताह 1 week something gap हो जाने के बाद फिर आप सभी का सामने फिर दोबारा मिल पा रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि बहुत एक शेड्यूल बहुत ही खराब होने के कारण से कुछ कुछ काम पे बिजी हो जाने के कारण से मैं आप सभी का सामने कुछ भी अपडेट नहीं दे पाया, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगना चाहूंगा। एंड राइट नाउ अभी अपने घर पे हूँ एंड यू कैन सी हियर इन माय बैक साइड, आप सब देख सकते हैं। आप सब गेस करना ये कौन हो सकता है बोल के, ये छोटा वाला जो बच्चा बैठा हुआ जो चेयर पे वो कौन है बोल के आप सभी प्लीज कमेंट करके बताना, ये कौन हो सकता है, ये शख्स कौन हो सकता है। जो सही बोलेगा ना उसको मिलेगा मेरा प्यार। एंड राइट नाउ तो होया भी मैं इस वक्त अपने माँ को पहुँचाने जा रहा हूँ भैया के घर तक। क्योंकि क्या है कि जुआ के घर पे कल पूजा है तो उसी कारण पे क्या है कि माँ लोग और भैया लोग जो भी आंटी लोग अंजाव निकलने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जुआ का घर जो अंजाव पे है, अंजाव साइड पे, अंजाव डिस्ट्रिक्ट पे है, तो क्या है कि लोहित से अंजाव जाने वाला है मम्मी और ये जो भैया लोग है, तो उसी के लिए जुआ का घर पे जा रहे हैं। तो जुआ का वहाँ पे पूजा है तो इसलिए माँ लोग पूरा तैयारी होके निकल रहा है अभी, तो माँ को वहाँ पहुँचा के आऊँगा। तो कुछ सामान है आप सभी देख सकते हैं हमारा मिशमी नेम का, कुछ इस तरह से हम लोग जुआ का घर जाता है तो कुछ इस तरह से ले जाना पड़ता है। आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा, यू कैन सी हियर एंड देख सकते गाइस, गैस कुछ इस तरह से ले जाना पड़ता है। ये है बर्तन, बर्तन कुछ इस तरह से बांध के अंजाव साइड पे ले जाना पड़ेगा। तो ये दाव है हम लोग का मिशमी का जो ट्रेडिशनल दाव है, ये सब ट्रेडिशनल बर्तन है, तो ये सब को जो है का वहाँ पे ले जाना पड़ता है। तो गैस अभी वही तो माँ को ये ऐसे नेम के लिए एक केस दारू है IV, तो वो कुछ इस तरह से बांध के ले जाना पड़ रहा है। तो अभी वही मैं अपने माँ को पहुँचाने जाऊँगा, ये सामान वो सब भैया का वहाँ पर पहुँचा के वो लोग ग्रुप पे जाएंगे। हम लोग का मिशमी नेम का जो हम लोग का जो रिश्ता रहता है ना बहुत ही तगड़ा बॉन्डिंग रहता है, तो वही हम लोग का एक खासियत है। लेकिन अदरवाइज तो क्या बोलेगा, मेरे सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस लाने से ठीक है, नहीं तो हम जैसे एवरेज आदमी लोग के लिए बहुत ही तकलीफ होता है। जिसका फर्द रुपया ज़्यादा है तो उसके लिए तो कुछ इशू नहीं है, लेकिन हम लोग जैसा जो गरीब है, जो गरीब फैमिली से जो बिलोंग करता है, हम लोग का जो मिशमी नेम का जो मेरे सिस्टम है वो चीज़ थोड़ा सुधारने से ठीक है, नहीं तो इसी तरह ही होते रहेगा तो आने वाला कल जनरेशन में और तकलीफ होने वाला है। तो वही सोचता है कि थोड़ा चेंजेस होने के लिए सोई नहीं। भाई अभी सबसे पहले अपने माँ को पहुँचा के आते हैं, सामान वो सब सामान तो इतना ज्यादा तो नहीं है, सिर्फ नेम से ले जाना पड़ता था। भाई नहीं इसको मैं रखता हूँ स्कूटी का आगे पे, यू कैन सी हियर। और गाइस देख सकते हैं हम लोग का नेम ही कुछ इस तरह की क्या बोलेगा, और माँ ने काफी अच्छा से बांधा हुआ है इसको प्यारा से, देख सकते हैं इसको कुछ इस तरह से भुगने के लिए आगे मैं आप सभी को मैं दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं गाइस हम लोग इनका अलावा भी कुछ रुपया दे देने से तो कितना फायदापन होना था, है कि नहीं गाइस। तो कुछ इस तरह से बांध के एकदम बढ़िया से बर्तन वो सब ले जाना पड़ता है जब जुआ का घर पर पूजा कुछ होता है। तो देख सकते हैं गाइस तो माँ ने काफ़ी अच्छे से प्यारा से बांध के रखा हुआ इसको अंदर साइड, क्योंकि चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा तो इसलिए क्या है कि तैयारी करके रखा हुआ, कल रात में बांधा हुआ हुआ, तो इस तरह से भुगना पड़ेगा अंदर साइड पर। देख सकते हैं गाइस लाइक दिस, यू कैन सी हियर, इस तरह से भूख के अपने जुआ के घर में भी इस तरह से जाना पड़ेगा। एंड देन अपने बीवी का जब आप छड़े करेगा ना वहाँ भी कुछ इस तरह से भूख के लेके आना पड़ेगा। हम लोग का मिशमी नेम कुछ इस तरह है, रोटेशन कुछ इस तरह होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मिथुन से लेके जो भी ऑर्नामेंट्स जो भी है रोटेशन होते रहता है। हम लोग का जो मिशमी नेम का जो मेरे सिस्टम है कुछ इस तरह से होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। एंड देन जो मिथुन हम लोग जो लड़की वाला को जो देता है वो मिथुन घुमा फिरा के मेरा पास भी आ सकता है, ये होता है रोटेशन। और हम लोग का जो रिश्ता जो होता है बहुत ही एक तगड़ा होता है, तो वही हम लोग का एक खासियत है। एंड अदरवाइज तो आप सभी ने मैंने आगे बोला है कि नहीं, तो देख सकते हैं मैंने तैयारी करके मैंने बांध लिया, माँ तो आगे निकल गया भैया का वहाँ पर, तो देख सकते हैं पूरा कछुआ जैसा लग रहा होगा।
देख व्यू देख सकते हैं कुछ इस तरह से होगा। हेलो गाइस, तो अभी मैं निकल रहा हूँ जुवाई का घर, देख सकते हैं जुवाई का घर कुछ इस तरह से जाना पड़ता है हम लोग का मिशमी में, कुछ इस तरह से बर्तन और सब ऑर्नामेंट्स कुछ ले जाना पड़ता है, देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह से हम लोग पहाड़ साइड पे चढ़ाई में उड़ना पड़ता है, तो इसलिए कुछ इस तरह से बांध के ऐसे बुने के लिए बना के हम लोग पहाड़ पर चढ़ाई करना पड़ता है, कुछ इस तरह से बांध के ले जाना पड़ता है। हम लोग जब भी हम लोग पहाड़ साइड पर जाता है तो जुवाई का घर जो भी पूजा पाठ पर जाता है तो हम लोग कछुआ टाइप का बन के निकलना पड़ता है, मैं भी देख सकते हैं कुछ इस तरह से कछुआ टाइप का मैं बना हुआ है, ये देख सकते हैं पूरा सेम टू सेम कछुआ लग रहा होगा। हया चुहे के घर पे कुछ होता है तो बिना शिकायत बिना कुछ सोचे समझे जाना तो पड़ता है, उपाय नहीं है, हम लोग का नेम ही कुछ इस तरह है, कुछ गिला शिकवा कुछ एक्सक्यूजेस नहीं बना सकता है, क्योंकि चुहे का घर जब जाता है तो बहाना नहीं बना सकता है, कभी भी जाना पड़ता है। तो मुझे भी जाने के लिए मन था लेकिन क्या है कि घर में दो हम दोनों अकेला है तो इसलिए क्या है कि बहुत सारा काम रह जाता है, डोमेस्टिक वर्क रह जाता है, तो इसलिए क्या है कि अलग होने से मैं भी निकलना था, माँ और हम दोनों साथ में निकलना था, लेकिन क्या है कि अभी हम दोनों अकेला है तो क्या है कि एक को तो जाना पड़ेगा, है कि नहीं, इसलिए माँ को माँ जाएगा बोल है तो माँ जाने दो एंड देन नेक्स्ट टाइम हम दो जाते रहेंगे, है कि नहीं गाइस। सो एनी वे बिना टाइम गवाते हुए अभी हमारा भैया। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपने ससुराल के घर पे, ये सब ससुराल वालों ने दिया है हमको, तो थैंक यू सो मच है। तो पकड़ लेते हैं, चल एक्शन। तो अभी पहुंच चुका है तो ये गाड़ी पे लेते हैं सब लोग, यहाँ पे बस। और आप कुछ बताइए और क्या बताएगा, हम लोग का मिशमी नेम कुछ इस तरह है, क्या बोलेगा, दारू देना पड़ता है, ये ऑर्नामेंट्स कुछ जुआ के घर में पूजा होने से भी टेंशन, जब हम माइकी लेने से भी टेंशन होगा, कोई माइकी के घर वाला मिठू मांगेगा तो भी टेंशन, मिठू नहीं मांगने से भी टेंशन, पूजा होने से भी टेंशन, पूजा नहीं होने से भी टेंशन, टेंशन ही टेंशन है गाइस। तो ये सब हम लोग का जो ऑर्नामेंट्स कुछ कुछ जुआ के घर में ले जाने सब रखा होगा गाड़ी पर। तो ये गाड़ी निकलेगा अंजाव की ओर। सब लोग कहाँ के लिए तैयारी कर रहे हैं? अंजाव देख सकते हैं गैस पूरा तैयारी होते हुए। गैस आई एम गोना शो यू दैट हमें क्या क्या देना पड़ता है वो सब देख सकते हैं। और ये है चावल, हम लोग लोकल चावल, लोकल चावल पीस के हम लोग जुआ कावा में पहुँचाना पड़ता है कुछ इस तरह से। ये है चावल एंड देन ये सब देख सकते हैं, ऐसा ताव बर्तन खरीदे सब कुछ देना पड़ता है। ये दारू है, दारू और लेगा हुआ शायद से, पूरा तैयारी हो गया हुआ है हम लोग का मिशमी नेम कुछ इस तरह, क्या करेगा उपाय नहीं यार, सब बर्तन थाल वो सब रखा हो यहाँ पर जैसे, और इसी तरह ये सब ले जाके और जुआ का वहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा। अब जब भी मिशमी कोई लेता है तो ससुराल पे कुछ इस तरह से जाना पड़ेगा, मिशमी लड़की लेता है तो मिथुन देना पड़ता है, मिथुन का जगह पे फिर आप सभी को कुछ इस तरह से ऑर्नामेंट्स कुछ मिलेगा, मालूम है सेम लो। जिंदगी में बिंग ए मिशमी टेंशन है टेंशन, जुआ का घर पर पूजा होने से भी टेंशन, कोई माइकी लेने से भी टेंशन, कोई मिथुन बोलने से भी टेंशन, टेंशन ही टेंशन है गाइस। देख सकते हैं निकल गया भैया और आंटी लोग और माँ लोग यहाँ से जा रहे हैं। कर्म अपराध हम देव है। ठीक है अच्छा जा भी। हाँ तो गाइस फाइनल अभी माँ लोग भी निकल गया अंजाव की ओर और भैया लोग तो आगे पहले निकल गया और मैं भी अपने घर निकल जाता हूँ, कुछ कुछ काम है वो कर लेता हूँ। खोलो क्या क्या सब्जी पकाया है, क्या मीट खिलाओ तो सुमन मीट ना, तो भाई का यहाँ पे क्या है कि पोर्क मीट पकाया बोल के बोल रहा है, तो हम ब्रेकफास्ट नहीं किया तो यहाँ से थोड़ा खा के निकलते हैं। और वो वीडियो बना रहे हैं आप,
बोल लियो ना, क्या बोल क्या भाई? बोल क्या भाई? अरे टेस्टी है, टेस्टी है क्या? एक नंबर। ये दुकान तो चावल था, ये तो पूजा का मीट है, पूजा कुछ तो नहीं है वो हमारे शर्मा में ऐसा पोर्क तो लगता है, नहीं चिकन जैसा लगता है। एंड गैस अभी ब्रेकफास्ट वो सब तो कर लिया भाई का वहाँ पे, और पोर्क मीट पकाया हुआ था, बॉयल करके पकाया हुआ था, काफ़ी अच्छा टेस्ट था, और मैंने वो खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया। एंड अभी घर पे कुछ काम रह गया था उस दिन, जो पहले आप सभी ने देखा होगा मैंने तामूल लगाया था, जो तामूल बाकी बात तो पूरा साफ ही है जंगल, लेकिन क्या है कि वो बैक साइड पर थोड़ा सा सफ़ा करने के लिए बाकी है, बहुत ही जंगल भरा हो गया, तो क्या है कि पूरा जंगल भरा होने के कारण से तामूल का पूरा वो बड़ा बड़ा जो ग्रास है घास है पर उसको दाग दिया हुआ है, तो वो सबको थोड़ा साफ़ करने के लिए बाकी है, तो गैस उसको पहले साफ़ कर लेते हैं एंड बस वही काम रह गया, एंड अदरवाइज तो होता ही रहेगा काम, है कि नहीं गैस? सो स्टे ट्यून। और मैंने अंदर जाके दावा सब लेके आ गया, और गैस देख सकते हैं ये मैंने कुछ दिन पहले को मैंने साफ़ किया था, और अभी जो साफ़ करने के लिए जो बाकी है वो जो ये साइड पर है, और वहाँ जाते जाते मैंने जो बेरा साइड पर जो बड़ा बड़ा गच्छी है उन सबको साफ़ करते करते किया था। और गैस यार क्या बोलेगा, ये सब जंगल को देखे ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया, फिर भी वो सबको नहीं सोच के एक हाथ में मोबाइल पकड़ के एक हाथ में दाव पकड़ के कंटिन्यूसली मैंने साफ़ किया, तब जाके ये आधा लाइन मैंने सफ़ा कर पाया है, और अभी जो बाकी है ये आधा लाइन और बाकी है, बहुत बड़ा जंगल और बाकी है, इसको साफ़ करने के लिए बाकी है, फिर भी इतना गर्म में मैंने कंटिन्यूसली साफ़ करते किया। बहुत ही मशक्कत करने के जो काम थे फाइनली वो कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट हो गया ये मैं मानता हूँ, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण से मैं हलवा तायत हो गया, और मैं तामूर सर्वे करते करते गया था धान का बीच में, तो बीच में मुझे मिल गया अदरक जो कि पहले हम लोग ने लगाया हुआ है, और इस बार का जो हम लोग का जो अदरक है बहुत ही अच्छा हुआ जैसे लग रहा है, लेकिन पता नहीं बाद में निकलने से पता चलेगा। और साथ ही साथ देख सकते हैं ये जो हम लोग का धान है अभी इतना बड़ा हो गया हुआ है पहले से, और एक दो सप्ताह के बाद काटने के लिए हो जाएगा होगा जैसे लग रहा है मेरा अंदाज़ा में तो, और मैंने कंटिन्यूसली तामूर को सर्वे करते करते गया था, और जितने भी तामूर जो लगा उनका सराउंडिंग में इतना जंगल नहीं हुआ है बोल के मैंने वापस यूर्टर्न मार दिया धान का बीच में चढ़ के आ गया, तो डायरेक्ट मैंने सोचा कि पाइप तरफ जाएगा बोल के, तो पाइप तरफ मैंने पानी है क्या बोल के अनफॉर्चुनेट चेक किया तो पानी नहीं निकला यार, दिमाग खराब हो गया, बहुत ही दिमाग खराब हो गया, इतना गर्म हो रहा था कि पूरा बदन खुजली हो रहा है जैसे लग रहा था, तो मुझे नहाने के लिए मन होता है लेकिन पानी नहीं था यार क्या बोलेगा, और मैंने सोचा कि अंदर जाके फैन का हवा थोड़ा खा लेगा थोड़ा ठंडा हो जाएगा वो बोल के, तो फिर मैंने डायरेक्ट अंदर बरंदा तरफ गया था, तो लाइट चेक किया तो लाइट भी नहीं है, वो भी दिमाग खराब क्या पनौती लग गया पता नहीं, तो हमसे नहीं हो पाएगा जैसे लग रहा है, तो आप सभी को मिलते हैं अगला ब्लॉग पे, बाय बाय।